सरफराज साहब की हालत का सुनकर अफसोस हुआ। बाय द वे, आपने बताया नहीं कि उस रोज असल में क्या हुआ। देखा, कौन था ये? मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई मसला है इसके साथ। मसला इसके साथ नहीं, मेरे साथ है। बेटा ये कोई छुपने की जगह इधर आओ, सारे अपने कपड़े गंदे कर लिए। चलो अब नीचे चलो, दादी वेट कर रही है खाने। आ जाओ। सवेरा, महनूर भाई आ जाओ ना, खाने को इंतजार नहीं कराते। जी दादी आ गए। ये जो आपकी लाडली पोती है ना, इसको आप कभी ना डांटिएगा। अरे ये कहाँ लाडली है, लाडली तो हम हैं। मैं तो लाडली ही दादी की लाडली पोती हूँ ना। तुम तो मेरी जान हो। लो खाना शुरू करो। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, इसके तुम्हें हाथ धुलवाओ पहले। चलो मेरे साथ। मामा। फौरन से पहले। चलो शाबाश। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें दोस्त नहीं बनाया। तो बना लो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सवेरा, अच्छा मुझे जाना होगा। मम्मा किससे बात कर रही हो? मम्मा वो बस मैं। सवेरा सुबह स्कूल नहीं जाना, ये कौन सा टाइम है खेलने का? चलो ऊपर चलो। मैं लेकिन बेटा चलो ना, देर हो रही है। चलो अच्छा ठीक है, मैं तो रेडी ही नहीं थी। देखो एनी, बेमानी मत करो, तुम चीटिंग कर रही हो अब। जी नहीं एनी, ये गलत बात है। चीटिंग मैं नहीं कर रही, चीटिंग तुम लोग करो, बस अब मुझे नहीं खेलना। इस सवेरा चीटिंग कर रही है। मैं चीटिंग नहीं कर रही, और एनी अब तुम्हारी बारी है मुझे पकड़। बस अब खेल खाता हूँ, चलो फरवा हम खेलने चले।
सलाम साहब, आपके बेटे ने रूल तोड़ा है, इसी वजह से मैंने... इसीलिए आपने सबके सामने इसे पनिश कर दिया। मेरे बच्चे की कोई सेल्फ एस्टीम नहीं आपके ख्याल में? कैसे रूल, कैसे रेगुलेशन? आप लोग तो सिर्फ फीस लेते हैं, बच्चे तो ट्यूशन में ही पढ़ते हैं, और आप होती कौन है मेरे बेटे को सजा देने वाली? आपके बेटे की टीचर है, उस्ताद है उस बच्चे की, पढ़ाती है उसे, और बदतमीजी की है उसने उनसे सबके सामने। आप लोग ही अगर इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो उसको तो शय मिलेगी। आप कैसे मिसबिहेव कर सकते हैं टीचर से? लेकिन मेरे बेटे के साथ क्यों, सबके सामने? सबके सामने क्या, साथ खेलते हैं, साथ शरारतें करते हैं, सबके सामने अगर डांट पड़ भी गई टीचर से तो सजा भी सबके सामने ही मिलेगी ना, और डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना, और आप देखे यूनिफॉर्म तक में नहीं है, क्या डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं आप उसके साथ? मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि ये मुझसे माफी मांगी, वरना मैं ये स्कूल ही छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, सही कह रहा है मेरा बेटा, आपको इनसे माफी मांगनी होगी। देखें, आप उसको थोड़ी सी तमीज सिखाएं, मैनर्स सिखाएं। आज उसने बदतमीजी की है टीचर के साथ, कल आप लोगों के साथ करेगा, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। हमारी तरबियत ऐसी नहीं, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, अगर आप माफी नहीं मांगेंगी तो हम इसको कहीं और एडमिशन करवा देंगे, और आपके खिलाफ कंप्लेन भी करेंगे। क्या हुआ? प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बस पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैं नो थैंक्स, हम इसे घर लेके जा रहे हैं, चलो चलो बेटा, आराम से देख के, आराम से बेटा। What happened? ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे ने कोई चिन्ह देख लिया। Strange. तो यही रहता हूं तुम्हारे साथ हर वक्त। अच्छा तुम अभी जाओ, मुझे होमवर्क करने दो। कर लेना होमवर्क, तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की ना, तो मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा ये होमवर्क कर दूंगा। अच्छा मैथ आता है? ये सम करके दिखा दो, समझ नहीं आ रहे। सवेरा
सबीरा, मुझे कब से आवाज दे रही हो, आपको सुनाई नहीं देता? वो मामा, सवेरा बेटा आके खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। चलो शाबाश। दोस्त, सिर्फ दोस्त। लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आए थे जब मामा आई थी। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आता, मैं सिर्फ दोस्तों को नजर आता हूँ। ये बताओ तुम्हें इतना अच्छा मैथ्स कहाँ से आता है? बस मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे मैथ्स सिखाया। अच्छा, विच क्लास? 7। अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है, समझा दोगे? ये तो बहुत इजी है, इसको देखो इस तरह करेंगे। सवेरा आजा बेटा। सवेरा खाना ठंडा हो रहा है। So this is a small intestine, लेकिन food diffuse कैसे होता है? सवेरा किधर हो? Through the cell membrane. क्या कर रही हो तुम? तो वर्क कर रही हो या खेल में लग गई हो? वो बस लास्ट सम कर रही थी। मैथ की कॉपी तो सामने पड़ी है। सम तो ठीक हो गया, इतना कर लिया है, बाकी अब खाने के बाद करना। चलो शाबाश। मामा जी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। बेटा यहाँ से ब्लड पंप होता है ना हार्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ से निकलता है। थैंक यू। लो भाई सवेरा, तुम्हारे सरोज भाई आ रहे हैं नवाबशाह से। अच्छा, कब आ रहे हैं और कितने दिन के लिए रहेंगे? अब शायद कुछ अरसा रहेंगे हमारे पास। अच्छा, हमारे साथ? हाँ, तुम्हारे अजीम अंकल घर ढूंढेंगे, जब उनको अपना घर मिल जाएगा फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी बात हुई महक आपा से? हाँ, सुबह फोन आया था उसका। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर कंफर्म हो गया? हाँ, ट्रांसफर तो हो गई, बस अब घर ढूंढना बाकी है। चलिए अच्छा है,
वो यहाँ आएंगी तो सरोज की पढ़ाई और माहौल दोनों बेहतर हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख सकती हैं और क्या उन्हें पता है कि तुम हमारे साथ रहते हो? नहीं, वो मुझे नहीं देख सकती। लेकिन मैं तो तुम्हें देख सकती हूँ, तो वो भी देख सकती होंगे। मुझे सिर्फ वो देख सकते हैं जिन्हें मैं चाहूँ। यानी कि जादू से? हाँ, जादू से। अच्छा सुनो, तुम मेरा होमवर्क कर दोगे? हाँ। और किसी को पता तो नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊंगी। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, अगर मम्मा उठ गई तो डांटूंगी। ओके। चले बच्चों, ब्रेक हो गई है, आधे घंटे बाद क्लास में आ जाइएगा, ठीक है? ओ सॉरी, गलती से हो गई। प्लीज उनके साथ कुछ ना करना, मैं तुम्हें कह रही हूं ना, बस गलती हो गई थी उनसे, प्लीज। नौशीन, जरा ये खाना गर्म कर दे और वापसी में सवेरा को बुला लीजिए। जी ठीक है। शुक्रिया। सबा, आप आज नाश्ता करके आई हैं क्या? जी मानूर, आज मैं जरा जल्दी उठ गई थी। आप क्या लाई? सब्जी। आलू पालक खाने का दिल चाह रहा था, सब्जी आ गई। आलू पालक तो नहीं है, लेकिन कल आपके लिए ले आऊंगी। क्या बात है। मिस मानूर, आपके खानों की तो बड़ी तारीफ सुनी हुई है, कभी हम लोगों को भी तो खिलाएं। फहाद साहब को तो आप रोजाना खिलाती हैं। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं आप कल आप सबके लिए ले आऊंगी। मेरा बस चले तो रोज आपके हाथ की बनाई हुई सब्जी का। लेकिन मेरी किस्मत में तो अम्मी के हाथ का बनाया हुआ अंडा पराठा होता है रोज। बहुत मजे का बनाती है मेरी अम्मी अंडा पराठा। आज आप खाएं, आज आप खाएं। जी जी, अरे मैं इंसिस्ट, प्लीज, आपको बहुत मजा आएगा। देखो सनाश, उसे ज्यादा दर्द ना और ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। सनाश बस कर दो, उसे दर्द हो रहा है। सनाश छोड़ दो उसे, सनाश उसे बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ दो उसे। सनाश से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो उसे। अब वो फरवा बेटा, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। Thank you.
भाई, उसका भी हक है, उसकी मर्जी। वैसे मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतला दी। अच्छा चलो, खुदा हाफिज, फिर बात करेंगे। फवाद, फवाद जी, शर्मिन ने शादी कर ली। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी उसके सामने, अकेले कैसे गुजारती। कितना मना किया था तुमको शर्मिन से शादी ना करो, बार बार तुम्हें मना करती रही कि शर्मिन से शादी ना करो, मगर तुमने कर ली। हाँ ठीक है, बार बार आपने मुझे मना किया, मैंने नहीं माना, हमारी तलाक हो गई। अब क्या करें? दूसरी शादी उसने भी तो कर ली ना, मर्द पहले करते हैं। देखें अभी मैं, तुमने तो उससे बात नहीं की होगी। अम्मा वो नहीं करेगी शादी। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अरे भाई, बेटी है ना उसकी, जब मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कबूल है वो बच्ची। बात बात ये नहीं अम्मा, वो एक बहुत संजीदा लड़की है। तुम मुझे उसके घर ले चलो, मैं खुद बात करूंगी उनसे। अच्छा अच्छा, बात करता हूँ मैं। अरे तुम क्या बात करोगे, मुझे फोन नंबर दो, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। सुना तुमने? देता हूँ। बहाने बनाता रहता है, समझ में नहीं आता क्यों इनकार के रह जा रहा है। अजीब लड़का है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तुम्हारे साथ सिर्फ बदतमीजी नहीं की थी, तुम्हारा पैर भी दबाया और हंसी भी थी। हाँ मगर अच्छा तुमने ठीक किया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अम्मी कहती हैं कि दूसरों को इतना तंग नहीं करना चाहिए। वो मुझे तुमसे डर लगता है। अच्छा अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें डर लगे, और तुमने ही कहा था कि जादू देखना है। फ्रेंड्स, फ्रेंड मैं बाजार तक जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो। जी एक काम कीजिएगा, आलू और पालक ले आइएगा, कल वही बनाकर सुबह ले जाऊंगी, कुछ टीचर्स ने फरमाइश की थी। ठीक है, शुक्रिया। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अच्छा नहीं, मैं कोई धागा वागा नहीं डालूंगी, और अगर किसी ने डालने की कोशिश की तो मैं उसे मना कर दूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें इतनी मजे मजे की होती हैं। सवेरा, ये किससे बातें कर रही हो तुम? दोस्त से। तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है सवेरा, और तुम चलो मेरे साथ बाजार चलो। दादी। हाँ ना, मैंने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, तुम मेरी इतनी मदद करती हो तो आज भी कर देना, और देखो अगर बाजार जाओगी ना मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। चले चलते। मानूर। जी खाला। सवेरा मेरे साथ बाजार जा रही है। अच्छा हाँ चलो। मैंने खुद उसे देखा है अपनी आंखों से किसी से बातें करते हुए। एक दो दफा तो मैंने भी देखा है खाला, लेकिन मैंने बच्चों की नफसियात पढ़ी है, और इकलौते बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं,
इमेजिनरी दोस्त बनाकर उनसे बातें करते रहते। मतलब? मतलब ये नफसियाती मामला होता है। तुम कहना चाह रही हो कि वो पागल है? नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बच्चे इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। भाई पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। बस आप डरती रहा करें, कोई घबराने की बात नहीं है, क्यों फिक्र कर रही है इतनी? चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, मगर जरा उसका ख्याल रखना। आपको ये कहने की जरूरत है क्या? बस ऐसे ही कह दिया, तुम्हें तो मालूम है कि तुम लोग मेरी कुल कायनात हो। कहाँ जा रही है? तुम्हारी लापरवाह लड़की को दूध पिलाने। दूध ही नहीं पीती है तो ताकत कहां से आएगी उसे? अच्छा मैं भेजती हूँ उसको आपके पास। बेटा रोज जिद करती हो कि दूध नहीं पीना है। देखो बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। लो ये लो शाबाश। दादी मेरा दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा। हाय अल्लाह, जो मैं कह रही हूँ कि दूध पी लो तो क्या हर्ज है, ये लो ना। दादी बस मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पीना तो बस मुझे नहीं पीना। सुनो तमाशा करती है। खाला, खाला क्या हो गया? क्या हो गया? मैं सवेरा को दूध पिलाने के लिए ले गई थी और किसी ने मेरे हाथ से अचानक गिलास लेकर ना दीवार पर दे मारा। क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटा, सवेरा दूध नहीं पी रही थी, मना कर रही थी तो जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरे हाथ से अचानक गिलास उड़ता हुआ गया दीवार के ऊपर। खाला आपका वहम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है ये सवेरा के गले में वो जो धागा था ना वो नहीं है, वो धागा जो पीर साहब ने दिया था। अच्छा अच्छा चलिए चलकर देखते हैं। आप आइए, आइए मेरे साथ आइए, आ जाओ आइए। बिल्कुल सही किया तुमने, मुझे दूध पीना भी नहीं था। हाँ ये कर सकते हैं। नहीं सवेरा, किससे बातें कर रही हो तुम? किसी से भी नहीं। सवेरा ये तुम्हारे गले में जो धागा था ये कहाँ गया? नहीं दादी। तुम्हें पता है ये धागा बहुत जरूरी था, इसे नहीं उतारना था, तो किसने उतारा है? मैंने कहा ना दादी मैंने नहीं उतारा, पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना। मामा वो मेरी चीज थी भी नहीं, और पता नहीं इतने दिनों से मेरे यहाँ पे लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया। और अगर आप लोग मुझे और तंग करेंगे तो मेरा दोस्त गुस्से में आ जाएगा। सवेरा बेटा आपको कोई तंग नहीं करेगा, ओके? आप यहाँ खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ, आराम करो, ओके? खाला आइएगा। मनोर खाला आप आइए ना मेरे साथ, इसको आराम करने दो। चलिए ये तुम मुझे इस तरह से वहां से क्यों ले आई हो? तुमने उसका रवैया नहीं देखा? देखा है खाला, मैं तो खुद परेशान हूं, मैंने पहले उसको कभी भी इस तरह बिहेव करते नहीं देखा। और वो कल स्कूल में मुझे गोरकन फिर नजर आया था, वही कब्रिस्तान वाला। गोरकन को तुमने दोबारा देखा और तुम मुझे अब बता रही हो? कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया था कि कब्रिस्तान मत जाओ, लेकिन तुम मेरी कहां सुनती हो?
अब हमें दोबारा पीर साहब के पास जाना चाहिए जिन्होंने तावीज दिया था सवेरा के लिए। कल सुबह चलेंगे। और सुनो, आज रात हम तीनों एक ही कमरे में रहेंगे और सवेरा को इस बात का कुछ इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है खाला जान। बैठो बेटा। जी बहन, बड़े दिनों बाद आप आई, कहें क्या बात है? बस बाबा जी, मजबूरी ही इंसान को तबीब के पास लेकर आती है। अब मजबूरी थी इसीलिए हाजिर हुई हूं। अल्लाह रहम करने वाला है, बताएं क्या बात है? पापा जी, बच्चों की तरफ से परेशानी। दोनों बच्चों के साथ मसला है? दोनों? पापा जी, आपने सूरा रहमान का कुंडा दिया था ना, वो इसके गले में था, 9 साल गले में रहा, अब पता नहीं कहाँ चला गया। तूने अब तक बच्ची की जान नहीं छोड़ी? बाबा जी, क्या हुआ बाबा जी? इस पर्चे पे मैंने लिख दिया है, कोई भी मसला हो आप मेरे पास तशरीफ ले आइए, मगर याद रखिएगा ये पर्चा साथ लाइएगा। और फिलहाल आप जाएं, इस बच्ची को भी ले जाएं और वो यहीं रहेगा। जी बहुत बेहतर। बेटा वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। चलो चलो बेटा उठो।